इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे ओप्पो के फ़ोन के अंदर अगर हमें कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। यहाँ पर ओप्पो का कोई सा भी फ़ोन हो आपका चल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सेटिंग थोड़ी सी इधर विधर हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा तो आपको आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा मोबाइल नेटवर्क, तो मोबाइल नेटवर्क पर जाना है। ध्यान से देखिएगा सेटिंग्स, वरना मिस हो सकती है। और यहाँ पर आपको ऑपरेटर कॉल रिलेटेड सेटिंग्स पर जाना है, इसको खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको देख लेनी है कॉल फॉरवर्डिंग। सबसे पहले कॉल फॉरवर्डिंग अगर नॉट इनेबल्ड होती है आपकी, तो यानी कि आपकी कॉलिंग सही है। अगर चालू होती है तो आपको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद यहाँ पर कॉल रिस्ट्रिक्शंस देख लेनी है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर ये सारी डिसेबल होती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी इनेबल होती है तो उसको डिसेबल कर दीजिए। यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी आपका पासवर्ड हो, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए उसको सबको। तो बस यही है, अगर आप यहाँ पर इनको सबको देख लेते हैं और कॉल वेटिंग वगैरह की सर्विसेज को चालू रखिएगा सही तरीके से, तो आपकी यहाँ पर कॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल रिस्ट्रिक्शन। कॉल रिस्ट्रिक्शन तो कॉल्स को बंद ही कर देती है, कॉल बैरिंग लगा देती है, जिससे कि आपकी कॉल ना तो आएगी ना जाएगी। यहाँ पर ये होती है कि आउटगोइंग कॉल्स, आपकी इनकमिंग कॉल्स सब चालू जो है रहनी चाहिए, क्योंकि इन पर डिसेबल रहेगा तभी चालू रहेंगी, वरना ये प्रॉब्लम में ला सकती हैं। तो यह है प्रॉब्लम का सलूशन। ओप्पो के फ़ोन्स में आप किसी में भी कर सकते हैं, थोड़ी सेटिंग्स आगे पीछे नीचे कहीं भी मिल सकती है, इससे अंतर नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल रिस्ट्रिक्शन यानी कि कॉल बैरिंग पर जाना है और वहाँ पर सेटिंग्स कर लेनी है। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।